हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मोगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो है, ये एक मूवी के ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो, और इस मूवी का नेम है जनाथा होटल। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन। అతను ఎదురు చూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది. నేను స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళి చదివింది షెఫ్ కోర్స్ మాత్రమే. షెఫ్ అంటే నెత్తి మీద టోపీ. అదే అదే. क्या बात है, ऑसम। भाई जी कथा अतन पुटक मुंदे प्रारंभ होइंदे। ओ नटो तिल्ला दोबारा स्टार्ट हो गया। आई थिंक सर ट्रेलर की लेंथ काफी शॉर्ट लग रही है मुझे। अतन ये तो चूस्तुन्न रोजु राने वच्चिंदि। या फिर ये फैन मेड है। क्या बात है, ऑसम। ऑसम स्प्लेंडेड सुपर। पहले हम बात कर लेते हैं आपसे इस ट्रेलर के हवाले से कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये फैन मेड तो नहीं था, क्योंकि ये इतना मुख्तसर सा शॉर्ट सा कैसे था और ये ख़त्म होने के बाद दोबारा स्टार्ट हो गया। एक्चुअली मुझे तो ये इतनी लेंथ के साथ ही मिला है और बिल्कुल इसी तरह से मिला जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ देख लिया और उस पर रिएक्शन वीडियो भी बना दी। और एक और बात मैं बताता चलूँ वो ये कि ये ट्रेलर ऐसा कैसे था मुझे समझ नहीं आया अब तक कि ये दोबारा से कैसे स्टार्ट हुआ, और मतलब इतनी शॉर्ट लेंथ थी इसकी और ये वाकई में ओरिजिनल था। आई थिंक सो ये फैन मेड है, अगर मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन जैसा भी था मतलब अगर फैन मेड भी था तो बहुत बेहतरीन तरीके का था, और यानी कि अगर कह लें भी ओरिजिनल था तो उसको दो दो बार मतलब डबल कर कर क्यों रिलीज़ किया गया है कि ताकि इसकी लेंथ बढ़ जाए। खैर आई थिंक सो मुझे इस हवाले से समझ नहीं आया। चलिए मैं आपसे इसी मूवी के हवाले से आपसे बात कर लेता हूँ। ये तेलुगु लैंग्वेज मूवी है और इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि जब आप देखेंगे तो भरपूर इन्जॉय कर सकेंगे। और इस मूवी को डायरेक्ट किया अनवर रशीद ने, और इस मूवी के अंदर जो मेन लीड रोल पर हैं वो हैं दुलक्यूर सलमान, निथिया मेनन और उनके साथ हैं लीना। ये इसकी मेन कास्ट है। और इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि ये जो है मूवी जो है ये जो है एक तरह से आप कह लें ये डब वर्जन कह लें आप है मलयालम मूवी का, जो कि उस मूवी का नेम था उस्ताद होटल, और जो कि रिलीज़ हुई थी 2012 के अंदर। एक तरह से आप कह लें या फिर आप इसको डब वर्जन कह लें कि मलयालम मूवी का ये तेलुगु मूवी, या फिर आप कह लें ये मलयालम मूवी की रीमेक मूवी है जो कि तेलुगु मूवी बनाई गई है। और हम बात करें अब आपसे इस ट्रेलर के हवाले से, जो कि जैसे कि मैंने आपसे स्टार्ट नहीं कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये ओरिजिनल वाकई में ऐसा ही रिलीज़ हुआ है या फिर इसमें कुछ गड़बड़ कुछ मसला था या फिर मुझसे गलत डाउनलोड हो गया या मुझे गलत मिल गया ये, जो कि मैंने इस पर वीडियो बना दिखा है। लेकिन जो भी था जैसा भी था इंटरटेनिंग था और एक तरह से आप कह लें कि मज़ेदार किस्म का लग रहा था, और ये मूवी देखने लायक लग रही है, जो कि जब आप देखेंगे तो इन्जॉय कर सकेंगे। और मतलब काफ़ी अच्छा काम लग रहा है, इंटरेस्टिंग सी यूनिक किस्म की स्टोरी, और शेफ़ के हवाले से कि जो कि शेफ़ बनना चाहता है लड़का, और फिर क्या आगे मतलब उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में आते हैं तो उसके इर्द गिर्द घूमती है ये मूवी, और जो कि जब आप देखेंगे तो इन्जॉय कर सकेंगे, क्योंकि काफ़ी अलग किस्म के सब्जेक्ट और यूनिक किस्म की है। और जो कि मैं बताते चलूँ शेफ़ जो लड़के बनते हैं तो आप कह लें कि उनके हाथों में जायका वाकई में बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि जितना भी मतलब बेहतरीन किस्म का खाना दुनिया में पकता है सब जगह वो मेल शेफ के हाथ का ही पकता है। और जब आप ये मूवी देखेंगे तो उसमें आपको काफ़ी कुछ मज़ेदार किस्म का खाने शाने भी देखने को मिलेंगे, और जो कि मूवी की स्टोरी भी ज़रूरी नहीं कि खाने पकाने और खाने से रिलेटेड शेफ से है, लेकिन आपको उसमें काफ़ी बेहतरीन किस्म का ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी उतार चढ़ाव और इंटरेस्टिंग
पहलुओं के साथ है, जो कि जब आप देखेंगे तो आपकी तवज्जो का मरकज बना रहेगा। बेहतरीन किस्म के सॉन्ग्स भी हैं जो कि आप फुल ऑन इसको इंटरटेनमेंट आपको फराहम करेंगे और आप इसे इंजॉय कर सकेंगे। ट्रेलर जैसा भी था, ओरिजिनल था, फेक था या फिर फैन मेड था, लेकिन मैंने तो उसे देख के इंजॉय किया। और मूवी के हवाले से मैंने आपसे बिल्कुल बात क्लियर की, ओरिजिनली बात की कि मूवी की कास्ट में क्या शामिल था और क्या क्या इस हवाले से, वो सारी बातें तो मेरी रियल थी, लेकिन ट्रेलर का मुझे कुछ अब तक समझ नहीं आया कि यह फैन मेड था या ओरिजिनल था या किस हवाले से था। लेकिन जैसा भी था मैंने देख के इंजॉय कर लिया और उसके हवाले से वीडियो भी बना दी और आपसे बात भी कर ली, क्योंकि ज़ाहिर है मैं जो ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो जिसकी भी बनाता हूँ तो उसको मैं पहले बिल्कुल भी नहीं देखता, हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि ज़ाहिर है अगर जब हम पहले से देख लेंगे तो हमें सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा, हमारा रिएक्शन तो फेक हो गया ना। तो इस हवाले से अक्सर ऐसा होता रहता है कि मैं अक्सर फैन मेड मुझे चीज़ें मिल जाती हैं या कुछ ना कुछ मिल जाती हैं, तो फिर अक्सर कुछ इस तरह की वीडियो बन जाती है जैसे कि यह वीडियो बन गई। खैर मैं तो इन्जॉय कर लेता हूँ और जो है और जो कि आप भी देखें इसको एंजॉय करें, क्योंकि इसमें इतना कुछ बुरा नहीं था जो कि आपको बुरा लगे, लेकिन मज़ा आया मुझे तो ये देख के, मैंने तो एंजॉय किया। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Take care. Thanks for watching.